कोरोना के चलते रायपुर में भी लोगों ने घर में ही नमाज अदा की। वहीं प्रशासन के आदेश के मुताबिक ईदगाह पर सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रजवी भी प्रदेश भर के मस्जिदों दरगाह कमेटियों से शांतिपूर्वक बकरीद मनाने की अपील करते हुए नजर आए। वहीं कुछ लोग रायपुर के बैजनाथ पारा मदरसा में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच बकरीद की नमाज अदा की। बकरीद का त्यौहार है और आज हम मौदहा पारा स्थित मस्जिद पे मौजूद हैं। इस मस्जिद को अशरफुल औलिया मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे बड़ा मस्जिद भी कहा जाता है राजधानी रायपुर का। लेकिन ईद के मौके पर भी जो है आप देख सकते हैं कि मस्जिद बंद है और साथ ही लोग जो है वो नमाज नहीं अदा कर रहे हैं। ईद के मौके पर जो है सभी मस्जिद और दरगाह में इमाम सहित 5 लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा करने का फर्ज करेंगे। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला भी लिया गया है कि इस बार ईद के त्योहारों को शांतिपूर्वक घरों से मनाया जाएगा और कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर राजधानी रायपुर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।